बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक नई चीज़ इस्तेमाल की गई है और वो चीज़ है इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, इसको हम रीड कैसे करते हैं? हम इसको रीड एस मोडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि या तो इसको मॉडुलस कहेंगे या कहेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स या कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखें, ये डेफिनेशन वन क्या है, इसकी वैल्यू होती है या एक्स है, इसका मतलब है ये हमारे पास प्लस एक्स है, यानी कि वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। और डेफिनेशन हमारे पास टू क्या है, ये इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा वैन एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? एक तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन वन से प्लस थ्री, और माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस थ्री, तो ये भी हमारे पास थ्री हो जाएगी। अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमारे पास ज़ीरो होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या? ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है क्या? अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? वैल्यू मींस हाउ फार अ नंबर इज फ्रॉम ज़ीरो इन नंबर लाइन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नंबर लाइन से वो डिजिट कितना दूर है। अब जैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये ज़ीरो है, वन टू थ्री, अच्छा यहाँ आ गया हम माइनस वन माइनस थ्री। अच्छा, अब देखें, अब हमारा मतलब के अगर हम कहें ज़ीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो की क्या है? अब देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो की हमारे पास क्या होगी कि अब ज़ीरो से ज़ीरो का फासला, तो ज़ीरो से ज़ीरो का फासला क्या होगा? ज़ीरो होगा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो गई। अच्छा, हम कहें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो से यहाँ तक कितना फासला है? यह फासला है थ्री। अच्छा, अब कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस थ्री, वो क्या होगा? यानी कि ज़ीरो से माइनस थ्री का फासला, तो ये फासला भी हमारे पास थ्री है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? हमें फासला मालूम करना होता है
ज़ीरो से। अच्छा, हम यहाँ देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, ये भी थ्री है, यहाँ से कितना फासला है, ये भी थ्री है। अब देखें, जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं उसमें माइनस नहीं होता, इसलिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करें तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, यानी कि माइनस थ्री से प्लस थ्री तक का फासला कितना है, ये सिक्स है, ना कि ज़ीरो। हम इसको ऐड करते हैं, माइनस थ्री या प्लस थ्री तो ऐड करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अगर हम लेफ्ट पे जाएँ तो हमने कहा माइनस फासला हम तय कर रहे हैं, और मतलब इस डायरेक्शन में हम गए माइनस कर दिया हमने, इसमें के मतलब प्लस, यानी कि ये सिर्फ माइनस प्लस आपको डायरेक्शन देता है कि हम लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं या राइट हैंड पे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक्चुअल जो है ये हमारा फासला है कि ज़ीरो से हम कितने फासले पे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना फासला होगा, ये हमारा टोटल सिक्स फासला होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। चलें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। अच्छा, ये हमारा एक्सरसाइज जो है वो 6.4 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन वन क्या है, 2a-3 एब्सोल्यूट या मोड इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम मोड को या एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करेंगे तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन 1, तो ये आ जाएगा 2a-3 इज इक्वल टू प्लस 7, और यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन नंबर 2, 2a-3 इज इक्वल टू -7। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पे -3 है, इसको हम ले दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमें सिंपली जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं अब वैसे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये यहाँ पे जाके आपका 2a ऐसी रहा, इक्वल साइन ऐसी रहा, प्लस 7 ऐसी रहा, और -3 जाके यहाँ +3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, अब दोनों सेम साइन है, ऐड हो गए, +10 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 2a है। अब देखें यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे a हम यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं, 2 को वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये 10 ऐसी रहा, 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, तो ये हमने इससे कैंसिल कर दिया, 2 5 रहा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ भी ऐसी है, 2a को ऐसे लिखा, इक्वल को ऐसे लिखा, इक्वल के नीचे इक्वल ही आता है हमेशा, -7 एज इट इज़ लिखा, और ये +2a एज इट इज़ लिखा, इस -3 को हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये +3 हो गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ हम ऐड करना है, और हमारे पास डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 7 और 3 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 4 हो गया, साइन ऑफ ग्रेटर इज इक्वल टू 2a। अब देखें इक्वल लिखा हमने, -4 ऐसे लिखा, अब यहाँ a और 2 में रिलेशन किया मल्टीप्लाई का, a को यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं, 2 को वहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 4, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, 10 द सोल्यूशन सेट इज, ये मिडिल ब्रैकेट लगाया, x x मेंबर ऑफ r, ये था सच दैट x ग्रेटर देन देखें, ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हम लिखते हैं जब यहाँ पे हमने इसको काट देते हैं, और सिर्फ हमने इसकी वैल्यू डालनी है, जो हमारा x की वैल्यू आई है, x वैल्यू हमारे पास क्या आई है,
माइनस टू एंड फाइव, इसका हमने आंसर देना, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू जो हमारा, ये मैंने लिख लिया है। अच्छा, ये क्या है, ये टू बी माइनस ट्वेल्व। अच्छा, यहाँ देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना ज़रूरी है, लिख के नहीं थी मैंने। अच्छा, अब इस ये बिल्कुल सिंपल है, अब इसको हम ओपन कर लेंगे। तो बाय डेफिनेशन वन, ये आ गया आपके पास फाइव बी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू प्लस नाइन, और बाय डेफिनेशन नंबर टू यहाँ पास आ गया फाइव बी इज इक्वल टू माइनस नाइन, सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब देखें वैसी सेम वैसी करेंगे। अच्छा, यह हम एक काम, अब जैसे यहाँ हम ये भी लिख सकते थे, अगर हम ओपन करना चाहें, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू को तो क्या होता है फाइव बी माइनस ट्वेल्व, और यहाँ क्या लिख लेते हैं प्लस माइनस नाइन, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम इसको बाई डेफिनेशन इस तरह से लिखें, ठीक है। इस तरह ये भी सही है, ये तरीका भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरह से कीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब आपने क्या किया, देखें फाइव बी को ऐसे ही छोड़ दिया, इक्वल के नीचे इक्वल लिया है प्लस नाइन, ये प्लस नाइन आ गया, माइनस ट्वेल्व को वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस वहाँ जाके ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। तो अब दोनों देखें सेम साइन है, तो ऐड होगा, ये आ गया हमारे पास ट्वेंटी वन, और ये हमारे पास फाइव बी ऐसे ही रहा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ के बी की वैल्यू निकालना है, तो बी को ऐसे ही छोड़ दिया, ट्वेंटी वन एज इट इज़ रहा, फाइव या मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ गया, तो ये हमारा एक आंसर बी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसी तरह से हम यहाँ आ जाएं, इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस नाइन अपनी जगह पर रहा है, और अब देखें यहाँ ये थोड़ा यहाँ माइनस ट्वेल्व लिखना मैं भूल गया कि फाइव बी माइनस ट्वेल्व, तो ये आ गया हमारे पास फाइव बी एज इट इज़ रहा, ये माइनस नाइन। अच्छा, आप देखें ये हमने इक्वल के नीचे इक्वल लिखा, एज इट इज़ रहा, ये एट इज़ रहा, माइनस ट्वेल्व वहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये आके यहाँ पे प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ प्लस ट्वेल्व है, ये माइनस का नाइन है, दोनों हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ट्वेल्व और नाइन का डिफरेंस थ्री आता है, और साइन ऑफ ग्रेटर प्लस थ्री आ गया। अब देखें यहाँ पे जो है हमें b की वैल्यू निकालना है, b और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, b को एज इट इज़ लिखा, 3 को एज इट इज़ लिखा, 5 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ गई है डिवाइड में आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई b की 3 ओवर 5, और एक हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 21 ओवर 5। तो सॉल्यूशन सेट किया जाएगा 10 सेट इज, अब हम यहाँ लिख देंगे ये मिडिल ब्रैकेट बनाया जाता है 21 ओवर 5 और ये 3 ओवर 5, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, 3x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मॉड 3x इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब देखें, अब ये जो हमारे पास सवाल है, तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं, जैसे अब क्या करें कि हमने बाय डेफिनेशन 1 3x इज इक्वल आ गया हमारे पास प्लस 6, और बाय डेफिनेशन
टू, हमारे पास थ्री एक्स आ गया माइनस सिक्स। अब यह इक्वल के इक्वल आया या मल्टीप्लाई में, तो ये सिक्स डिवाइड बाई थ्री आ गया, थ्री टू दा, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास टू आ गई। अब यहाँ भी सेम है कि हमने इसको माइनस एज इट इज लिखा, एक्स को एज इट इज का थ्री को वन लेके जा रहे हैं, तो डिवाइड में जाए क्यों या मल्टीप्लाई में, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई टू यानी कि माइनस टू। अब तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मिडिल ब्रैकेट में करते हैं माइनस टू और प्लस टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन फोर मैंने नहीं लिखा है, चलिए अब लिख लेते हैं। y अपॉन थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थ्री है, ये एब्सोल्यूट रेटिंग मोड। अब लिखेंगे by डेफिनेशन वन, y ओवर थ्री इज इक्वल टू प्लस ट्वेल्व, by डेफिनेशन टू y और थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखें यार y और थ्री में क्या रिलेशन है, ये डिवीजन का वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, ट्वेल्व एज इट इज आ गया, y एज इट इज आ गया, अब थ्री को वहाँ ले जा रहे हैं, ये जा गया मल्टीप्लाई में आ गया, ट्वेल्व थ्री जा 36, तो y की एक वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। यहाँ इक्वल के नीचे एक लिखा हमने, माइनस ट्वेल्व एज इट इज लिखा, y को एज इट इज लिखा, वाई यहाँ डिवीजन में, वहाँ जाकर ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 थ्री जो 36, ये माइनस 36 आ गई। तो अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन सेट इज मिडिल ब्रैकेट माइनस 36 और ये 36, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के, यानी क्वेश्चन नंबर फोर के हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट चेक कर लूँ क्या हुआ है, ये जो है आपका क्वेश्चन टू था, अच्छा थ्री ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन फोर था, ये क्वेश्चन नंबर फोर है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, मोड इज इक्वल टू फोर, अब इसको भी वैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे by definition वन, y माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस फोर, by definition नंबर टू y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर। अब देखें इक्वल के नीचे इक्वल लिया है, प्लस फोर एज इट इज रहेगा, वाई है प्लस वाई एज इट इज रहेगा, अब से माइनस थ्री को लेके जाना चाह रहे हैं तो उसको वहाँ ले जाएं, तो माइनस थ्री वहाँ जाके ये प्लस थ्री हो जाएगा। अब दोनों सेम साइन है देखें तो सेम साइन ऐड हो जाएंगी, और जब देखें सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, साइन अगर सेम होती हैं तो ऐड होती हैं और डिफरेंट होती हैं उनका डिफरेंस लेते हैं और साइन आप ग्रेटर लेते हैं। अब यहाँ दोनों प्लस किए तो साइन वही रहेगी और फोर थ्री सेवन हो गया, तो वाई की वैल्यू प्लस सेवन आ गई। अब यहाँ हम देखें इक्वल के नीचे तो हमने इक्वल लिखा, माइनस फोर एज इट इज लिखा, अच्छा वाई को भी एज इट इज लिखा कि उसको हमने कुछ नहीं करना है, अब से माइनस थ्री को वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, तो माइनस थ्री वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस थ्री हो जाएगा। अब देखें यहाँ आपके पास
डिफरेंट साइन आ गई है एडिशन में, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, फोर थ्री का डिफरेंस क्या आता है, वन आता है, और साइन ऑफ ग्रेटर ये माइनस वन आ गया, तो वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ गई। दस सॉल्यूशन सेट इज मिडिल ब्रैकेट माइनस वन और ये प्लस सेवन, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास क्या है, ये वहां क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अच्छा सब क्वेश्चन देखें बहुत कम आ रही है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, देखें वीडियो पसंद आ जाए तो इसको आपके समझ में आ जाए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। अच्छा ये भी वैसे ही हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे एक्स प्लस वन ओवर थ्री, यानी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन वन, तो ये हमारे पास आ गया प्लस वन और बाई डेफिनेशन नंबर टू ये आ गया हमारे पास माइनस थ्री। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लें, अब यहाँ क्या किया हमने देखें, अब देखें ये आपके पास एक चीज़ है, ये दो नहीं है, हम यहाँ से वन नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखें प्लस जो भी होता है हम नहीं जा सकता, अगर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई है तो पहले वो जाता है, तो अब यहाँ देखें यहाँ हमारे पास डिवाइड में तो पहले ये थ्री आएगा, तो ये इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, प्लस वन एज इट इज़ आ गया, एक्स प्लस वन ये एज इट इज़ आ गया, अब इसको चाहे हम ब्रैकेट में लिख दें, तो अब देखें ये जो थ्री था इस एक्स प्लस वन के साथ डिवाइड में था, तो वहाँ जा कर ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया एक्स प्लस वन और ये आ गया थ्री, इक्वल के नीचे फिर हमने इक्वल लिखा, थ्री ऐसी लिखा, एक्स ऐसी लिखा, प्लस वन को वहाँ ले जा रहे हैं तो ये माइनस वन आ गया। अब देखें यहाँ प्लस का थ्री है, ये माइनस का वन है, तो अब दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे थ्री और वन का डिफरेंस क्या आता है, टू आता है, साइन ऑफ ग्रेटर प्लस आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस टू आ गई। अब एज इट इज़ यहाँ होगा, इक्वल के नीचे को इक्वल लिखा, माइनस थ्री एज इट इज़ लिखा, एक्स प्लस वन को हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको एज इट इज़ लिखा, अब थ्री एक्स प्लस वन के साथ डिवाइड में यहाँ जा कर ये यह भी हमारे पास माइनस वन है, ये डिवाइड बाय ये थ्री आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है, थ्री वन थ्री और प्लस माइनस 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 थ्री हो गया, ये एक्स प्लस वन आ गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, माइनस थ्री एट इज़ आ गया, एक्स एट इज़ आ गया। अब देखें प्लस वन को वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, तो प्लस वन है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। अब दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, थ्री वन फोर होता है और साइन हमारी वही रहेगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर आ गई। जब आई एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर आ चुकी है तब इसको हम आंसर लिख देंगे, दस सेट इज मिडिल ब्रैकेट माइनस फोर, और देखिए हम यहाँ माइनस फोर प्लस टू भी सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम ये समझ कर रहे हैं एब्सोल्यूट मतलब एक लंबर लाइन के हिसाब से, तो बेहतर ये कि जो नेगेटिव वैल्यू पहले लिखें पॉजिटिव वैल्यू बाद में लिखें, ये मतलब नंबर लाइन से था,
अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 हमारा क्या है? -6 = (mod 5x - 3) = 3। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब देखें, सबसे पहले हमें ये करना है कि मोड को लेफ्ट हैंड साइड पे हम अकेला छोड़ते हैं, तो यहाँ ये मौजूद है, इसको साइड पे ले जाएं। इसका मतलब है कि हमने 5x - 3 mod ऐसे रखा, इक्वल ऐसे आ गया, 3 ऐसे आ गया, माइनस इसको वहाँ ले गए तो ये +6 बन गया। ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो गई 9, और ये आ गया हमारे पास 5x - 3। अब इसको बाय डेफिनेशन ओपन कर देंगे, बाय डेफिनेशन नंबर 1, तो 5x - 3 = (+9) बाय डेफिनेशन ये हमारे 2, 5x - 3 = -9। अब यहाँ देखें, इक्वल के नीचे हम इक्वल लिख रहे हैं, 9 हमने ऐसे लिखा, 5x को ऐसे रहने दिया। अब इसे -3 को ले जा रहे हैं, -3 वहाँ जाए क्या हो जाएगा, +3। देखें दोनों सेम साइन है, ऐड हो गए, ये आ गया 9, 12, और ये 5x ऐसे रहा। अब हमने क्या किया, 12 को ऐसे रहने दिया, x को ऐसे रहने दिया। अब देखें ये 5 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ आके ये डिवाइड में आ गया, एक वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ भी ऐसे होगा, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा, -9 को एज इट इज़ लिखा, 5x को एज इट इज़ लिखा। अब -3 हमारे लिखने जाना चाह रहे हैं तो ये जाके यहाँ +3 हो गया। अब देखें यहाँ एक माइनस का 9 है और +3 जो एडिशन में किया होता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 9, 3 का डिफरेंस क्या आता है, 6 आता है, साइन ऑफ ग्रेटर 9 की साइन माइनस है ग्रेटर, -6 आ गया, ये हमारे पास 5x है। फिर -6 एज इट इज़ लिखा, एक्स को एज इट इज़ लिखा। अब 6 देखें यहाँ 5 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, mod 3x - 4 = 22। अच्छा, इसको वैसे कर लेंगे, बाय डेफिनेशन नंबर 1, 3x - 4 = (+22) बाय डेफिनेशन नंबर 2, 3x - 4 = -22। अब क्या करेंगे हम, इक्वल के नीचे हमने यहाँ इक्वल लिखा, 22 एज इट इज़ आ गया, 3x को हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहने दें, सिर्फ -4 को वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। तो 22 और +4 हमारे पास कितने होते हैं, तो 22 हो जाएंगे यहाँ पास 26, 3x हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 26 एज इट इज़ रहेगा, ये एक्स एज इट इज़ रहेगा। 3 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में आ गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ इक्वल टू एज इट लिखा जाएगा, -22 हमने एज इट इज़ लिख लिया, 3x को हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिख लिया। अब देखें ये -4 को वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, तो -4 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखें एक माइनस का 20 प्लस
फोर है, साइन का दोनों का डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस लेंगे 22/4 का डिफरेंस क्या आता है, यह आता है 18 साइन ऑफ ग्रेटर, ये साइन ग्रेटर की जो माइनस लगा दिया, और ये 3x एज इट इज़ आ गया, ये माइनस 18 हमने एज इट इज़ लिख लिया। और अच्छा, अब हम यहाँ पे x को छोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ 3 क्या है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ गया, 3 6 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x की 20/6, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -6। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट -6 और 26 ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 9-10 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पास पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।